आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन लिसन टू द आंसर और डोंट आस्क मी द क्वेश्चन. इट्स वेरी इम्पर्टिनेंट. आई टेक एक्सेप्शन टू दैट. आई एम आंसरिंग अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कनेक्टेड टू अनुपम खेर एंड हिज परफॉर्मेंस एंड आई एम मेंशनिंग आई एम वेरी रिस्पेक्टफुली आस्किंग यू माई डियर गर्ल दैट व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन स्टैंड अप एंड लिसन टू द आंसर और डोंट आस्क द क्वेश्चन. तो मैं बताना चाहता हूँ कि भट्ट साहब जब सारांश पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो मेरी माँ जिसको अब सब लोग जानते हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनको बोला था. भट्ट साहब ने अपने दिल से और जोश से और कॉमेडी करते हुए मेरी माँ को कहा आपके बेटे को मैंने देखिए स्टार बना दिया सारांश जैसी फिल्म देखे. तो मेरी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया. मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी तो आप स्टार बनाए उनको उनके. जी वो तब से ऐसी थी आज से 40 साल पहले से ऐसी थी. यस आई होप यू गॉट द मैसेज. माय इंटेंशन वाज टू कम्युनिकेट अ बिहेवियर कोड व्हिच इज नेसेसरी एंड आई होप यू विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट. Thank you. Hi, Mahesh sir, Mahesh Bhatt sir. Yeah, Samir here from Movie Talkies. Sir, you own a lot of franchises. Let's say Sadak, like Aashiqui and Murder. So, any plans on the next films? I don't own them. Vishesh Films owns them, and I have nothing to do with Vishesh Films. It's a Mukesh Bhatt enterprise. I have nothing to do with it. Mm-hmm. No, he wasn't. Actually, just before you ask the question, I want to ask Ishwaq to talk about his role in the film because it's even more difficult to imagine someone 40 years back and play that person. So Ishwaq, please, I would like you to tell them what you feel. Whew. That's, I like this kind of spotlight. It's something which is, well, how do I say it? It'll take a minute. Just one question. Sorry. Musical, poetic, it's like a melody. It's just written with, the story, the film has been written with so much of heart that you kind of, I think in the first 5-10 minutes, while we kind of exchanged notes and spoke over a period of time, but in my heart I knew that this is something very special and then I can't let go of it, I have to be a part of it. And just like this film that, that as an actor you look for, where you feel like this is where, this is something that we're going to be really proud of. And I can say this right now, at this point, that it is something that we all will be very proud of. It's a very special film. It tugs on to the heartstrings, and once we shoot it, once it's made, you'll see what I'm talking about. Sorry, please go on. Someone. My question is to Adaji. अदाजी यो या माई क्वेश्चन इज दैट आपने जो घर लिया है अनफर्गेटेबल मेमोरेबल एक्टर का घर सुशांत सिंह राजपूत का तो उनका जो घर जो आपने लिया है वो रेंट पे लिया है या खरीदा हुआ है. रिगार्डिंग फिल्म आई कांट सी यू. आप कहाँ हो जिन्होंने सवाल पूछा. जो घर मैंने लिया मैं रेंट पे मैंने लिया है सर. जो केरला स्टोरी के 378 करोड़ है वो मेरे नहीं हैं तो मैं रेंट पे रह रही हूँ. एंड मैं रेंट पे सिर्फ मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ मेरी ग्रैनी भी कंट्रीब्यूट करती है बिकॉज माई ग्रैंड मदर सेड दैट मैं भी रह रही हूँ तो मैं भी रेंट पे कंट्रीब्यूट करूँगी. मेरी मॉम वर्किंग मॉम नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है बट शी कुक्स अस फूड एंड ऑल. एंड वो घर एक्चुअली मेरा नहीं है मिस्टर लालवानी का है जो अभी साउथ अफ्रीका में आई थिंक रह रहे हैं. एंड आई थिंक सुशांत भी रेंट पे ही रह रहे थे वो भी उनका भी खरीदा हुआ नहीं था बट द घर इज मिस्टर लालवानीज हाउस. और उसके घर में फर्नीचर भी नहीं है ये भी बता. हाँ मेरे घर में. शी डजंट बिलीव इन फर्नीचर बट मेरे पहले घर में भी फर्नीचर नहीं था बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दैट मींस बट शी डजंट मींस आई लाइक स्पेस विक्रम सर. आई एंजॉय डांसिंग एंड जब मैं डांस करती हूँ तो आई डोंट लाइक कि मेरा हाथ कहीं पर लगे. एंड आई फील कि मुंबई में हम लोग स्पेस के लिए पैसे देते हैं तो इफ़ आई बॉट सच अ ब्यूटिफुल हाउस आई वॉन्ट कि मैं फ्रीली घूमूँ उसमें
मैं सब पक्षी और सब जानवरों को बुलाऊं अपने घर में. एंड इफ़ इट्स अ सोफ़ा, लाइक अभी मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ बिकॉज आई एम यूज्ड टू सिटिंग ऑन द फ्लोर. बट सो एट होम आई चूज़ टू सिट हाउ आई लाइक एंड ऑल्सो यस देयर इज़ नो फर्नीचर इन माई हाउस.